हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद आर्ट। आज के कुछ वर्ड्स देखते हैं। आज का पहला वर्ड है काउच पोटैटो। बेसिकली फ्रेंड्स, हमने कल बात की थी काउच के बारे में, बात की थी मिस तकिया, ठीक है, कुशन, पिलो और ब्लैंकेट के बारे में बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे उसी काउच से रिलेटेड। कल ने बताया था क्या कुशन और पिलो ये सब मतलब क्या हो गया, तकिया हो गया, ब्लैंकेट मतलब क्या हो गया, कंबल हो गया, काउच मतलब क्या होता है। कल मैंने क्या बताया था, काउच मतलब सोफा। काउच मतलब क्या हुआ, सोफा, ठीक है। काउच मतलब हो गया हमारा सोफा। अब पोटैटो, पोटैटो मतलब पोटैटो चिप्स या आलू, ठीक है। अब अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, दिन भर काउच में आराम कर रहा है, ठीक है, और क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है और उसके बाद क्या पोटैटो चिप्स खा रहा है, तो उसे कहते हैं काउच पोटैटो। ये वर्ड एमटीएस 2016 में आया था, एमटीएस 2016 में एसएससी के एग्जाम में आया था ये काउच पोटैटो वर्ड, ठीक है। तो काउच पोटैटो क्या हो गया, काउच मतलब सोफा और पोटैटो मतलब चिप्स। द पर्सन हु स्पेंड हिज लॉट्स ऑफ द टाइम, हिज मोस्ट ऑफ द टाइम इन फ्रंट ऑफ द टीवी, ओके, और वॉचिंग टीवी, तो उसको क्या कहते हैं, द पर्सन इज कॉल्ड काउच पोटैटो, ठीक है। उसके बाद आता है माउस पोटैटो। माउस कहां होता है, माउस मतलब चूहा, ठीक है। तो माउस होता कहां पे, माउस हमारा कंप्यूटर पे होता है, तो माउस कंप्यूटर पे होता है, तो माउस मतलब क्या हो गया, माउस। और पोटैटो, द पर्सन हु स्पेंड्स टू मच ऑफ हिज टाइम इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर या यूजिंग कंप्यूटर, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं, माउस पोटैटो। वो हो सकता है कि मूवीज देख रहा हो, उसे कुछ काम कर रहा हो। तो अगर कोई पर्सन, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा समय व्यतीत करता है कहां पर, काउच में, तो मतलब टीवी देखते हुए, तो क्या हो गया, काउच पोटैटो हो गया। इफ अ पर्सन स्पेंड टू मच ऑफ हिज टाइम वॉचिंग कंप्यूटर और प्लेइंग वीडियो गेम्स ऑन कंप्यूटर, दैट पर्सन इज कॉल्ड माउस पोटैटो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये, किसी भी एग्जाम में आ सकते, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है काउच पोटैटो, माउस पोटैटो। अब देखो कास्टिंग काउच, अब ये बताओ हमको सबसे पहले आप लोग कि कास्टिंग होती कहां पे है, कास्टिंग कहां होती है भाई, कास्टिंग मूवीज की होती है, सीरियल्स की होती है, ठीक है। अब कास्टिंग काउच लिखा हुआ है, काउच मतलब क्या हुआ, सोफा। अब सोफे में तो कास्टिंग नहीं होती, सोफे में कास्टिंग नहीं होती, बट अगर सोफे में कास्टिंग हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ है, कुछ गड़बड़ हो रहा है वहां पे। एक्चुअली हमारी फिल्म इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में बड़ा खराब कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी कोई न्यू कॉमर जाता है जॉब के लिए, तो उसे चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, उसे हैरस किया जाता है, उसे हैरस किया जाता है, सेड्यूस किया जाता है, किसके लिए, जॉब देने के लिए, कि इन फ्रंट ऑफ, सॉरी, फॉर द शेक ऑफ गिविंग जॉब ही गॉट सेड्यूस्ड, ठीक है। तो अगर कोई भी डायरेक्टर या फिर कोई भी ऐसा सिस्टम है जो क्या कर रहा है, किसी लड़का या लड़की को हैरस कर रहा है, किसके बदले हैरस किसके लिए कर रहा है, कि मैं आपको जॉब दूंगा और उसके बदले उसको सेड्यूस कर रहा है, उसे कहते हैं कास्टिंग काउच, ठीक है ना। तो कास्टिंग काउच का मतलब क्या होता है, हैरस समबडी, हैरस समबडी फॉर द शेक ऑफ जॉब, ठीक है ना, जॉब के लिए, ठीक है ना, फॉर जॉब, ये क्या हो गया, कास्टिंग काउच। अब देखो लिखा हुआ पहला वर्ड है लाइक अ हॉट पोटैटो, लाइक अ हॉट पोटैटो। देखो लाइक मतलब की तरह, हॉट पोटैटो मतलब गरम पोटैटो, यानी गरम आलू, इसका मतलब होता है सांप से चुंदर वाली स्थिति, हिंदी में कहते हैं, ईडियम है, ठीक है। अब देखो लाइक अ हॉट पोटैटो है, लाइक अ हॉट पोटैटो है, तो बेसिकली होता क्या है कि जब हम लोग समोसा खाते हैं, क्या खाते हैं, समोसा खाते हैं, तो जो समोसा खाते हैं तो समोसा होता है बड़ा गर्म, ठीक है। अब उसको रख तो लिया मुंह में अंदर हम लोगों ने, अब इतना गर्म होता है कि ना उसको अंदर ले जा सकते हैं ना उसको बाहर कर सकते हैं, हम लोग ऐसे बैठे, ठीक है। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, ना उसको अंदर ले जा सकते हैं क्योंकि इतना गर्म है, और ना बाहर फेंक सकते क्योंकि खाना है उसको। तो वो जो कंडीशन हो सकती है कि आप करें तो करें क्या, तो वो जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, लाइक है हॉट पोटैटो, या सांप छछूंदर वाली स्थिति, क्योंकि जो सांप होता है, छछूंदर होते हैं, वो दूसरे छछूंदर ने सांप खा लिया, या सॉरी सांप ने छछूंदर खा लिया, कुछ भी है, तो क्या पूरा तो खा नहीं पाता, वो बाहर लटकी रहती है, तो वो क्या हो गई, लाइक अ हॉट पोटैटो मतलब क्या, सांप छछूंदर वाली स्थिति। अब करें तो करें क्या, जिंदगी में ऐसी कई सारी परिस्थितियां आती हैं, तो लाइक अ हॉट पोटैटो वाली हो गई। फिर बात करते हैं, अब देखो पोटैटो आया, हॉट पोटैटो आया, यहां से आता पाइपिंग हॉट फूड, गर्मा गर्म खाना। आपको अभी तो गर्म चल रहा है, ठीक है ना, विंटर्स में आपको क्या चाहिए, पाइपिंग हॉट फूड चाहिए, गर्मा गर्म खाना हम लोग खाते हैं एकदम, जैसे खाना हमने तुरंत सर्व हो गया, तुरंत खा लिया। तो अभी विंटर के टाइम में हमें कैसा खाना चाहिए, पाइपिंग हॉट फूड चाहिए। फिर बात करते हैं, यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ था, क्रिमिनल्स और टेररिस्ट हैज स्टार्टेड सिंगिंग,
द क्रिमिनल्स एंड द टेररिस्ट हैड स्टार्टेड सिंगिंग। अगर कोई क्रिमिनल्स है, कोई टेररिस्ट है, वो गाना गाने लगे तो इसका मतलब क्या, गाना गा रहे हैं? नहीं, इसका मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन उनके पास थी वो क्या करने लगे, वो बोलने लगे। क्या लिखा हुआ, द क्रिमिनल हैज स्टार्ट सिंगिंग, मतलब उनके पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो बताने लगे या वो करने लगे। अच्छा, जो क्रिमिनल्स हैं वो कब इन्फॉर्मेशन बताएंगे, जब उनसे पूछताछ होगी। इसके लिए जो वर्ड आते हैं आपको पता है, इंटरोगेशन पता है आपको, इंटरोगेशन पता है, एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में आएगा ग्रिल या ग्रिलिंग। ग्रिल मतलब होता है पूछताछ करना, ग्रिल मतलब क्या हो गया, पूछताछ करना। भाई वहां पे भी जो सलाखें होती है उन्हें भी ग्रिल कहते हैं, तो ऐसे समझ लो कि वहां पे सलाखों के कोई खड़ा हुआ है उसके आर पार, तो वहां पे क्या पूछताछ चल रही उससे, ठीक है, सलाखों के अंदर कोई बंदा है। तो ग्रिल या ग्रिलिंग मतलब क्या हो गया, पूछताछ करना, समझ गए। अब आगे देखते हैं, अब हम यहां बात किसकी कर रहे हैं, सॉन्ग की बात कर रहे हैं, सिंगिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो सॉन्ग एकदम इजी होता है, ठीक है ना, सॉन्ग से किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। बट अगर कोई सॉन्ग को भी फेस कर रहा है, फेस मतलब लिखा है वहां पे फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक मतलब म्यूजिक तो बिल्कुल मेलोडियस होता है, पर कोई उसको भी फेस कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फेस द म्यूजिक, या फिर इसका मतलब होता है आलोचना को सहना। फेस द म्यूजिक, म्यूजिक तो कितना है भाई, म्यूजिक एकदम इजी चीज है। म्यूजिक क्या है, म्यूजिक एकदम इजी चीज है, उसको फेस तो किसी को करना नहीं, बट अगर कोई उसको भी फेस कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आलोचना को सह रहा है। तो इसके लिए एक और इडियम आता है, फेस द म्यूजिक या फेस द क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म मतलब भी क्या होता है, सॉरी, क्रिटिसिज्म मतलब भी क्या होता है, आलोचना। तो फेस द म्यूजिक या फेस द क्रिटिसिज्म मतलब क्या होता है, आलोचना को सहना। अब आलोचना को सहने के लिए और कई सारे वर्ड आ रहे हैं, ये आलोचना को सहना हो गया। अब प्रभाव को सहने के लिए क्या होता है, देखो बियर द ब्रंट ऑफ अटैक। देखो बियर के मैंने दो मीनिंग लिखे यहां पे, अच्छा नहीं लिखा, देखो एक ये हो गया बियर मतलब क्या हो गया, ये सहना हो गया, ये बियर वाला क्या हो गया, सहना हो गया, और ये बियर कौन सा हो गया, चिल पार्टी वाला, ठीक है, चिल पार्टी चल रही तुम्हारी, तो चिल पार्टी वाला कौन सा बियर हो गया, ये बियर हो गया, बियर, और वो बियर बी ए आर, इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हो गया क्या, बियर द ब्रंट ऑफ अटैक, तो बियर मतलब क्या हो गया, सहना, और ब्रंट मतलब प्रभाव, किसका, अटैक का। बियर मतलब सहना, ब्रंट मतलब प्रभाव, और अटैक मतलब अटैक। अगर तुम बियर द ब्रंट ऑफ अटैक कर रहे हो, यानी कि प्रभाव को सह रहे हो, किसी कोई अटैक है उसके अटैक के प्रभाव को सह रहे हो, तो वो क्या हो गया, बियर द ब्रंट ऑफ अटैक। बियर द ब्रंट ऑफ एंगर, किसी के जो क्रोध है उसका प्रभाव सह रहे हो, भाई कोई बहुत क्रोध में आया और तुम्हें चड़ाक से लगा दिया, तो उस क्रोध का प्रभाव क्या हुआ, तुम्हें चड़ाक से पड़ा, ठीक है। तो बियर द ब्रंट ऑफ अटैक, बियर द ब्रंट ऑफ एंगर एट द रिसीविंग एंड। अब बात सुनो, देखो यहां पे लिखा हुआ तीसरा एंड, इन सबका मतलब क्या होगा, तीनों का मतलब प्रभाव को सहना। जो तीसरा एंड लिखा हुआ है, एट द रिसीविंग एंड, एट द रिसीविंग एंड, देखो रिसीविंग क्या होता है, रिसीविंग करना की लास्ट पॉइंट, अगर कोई चीज रिसीविंग एंड में है मतलब क्या है, लास्ट पॉइंट। जैसे अगर कोई लाइन खींच दी एक ऐसे, सॉरी, और उस लाइन के लास्ट में जो रिसीविंग एंड है, सबसे ज्यादा प्रभाव कहां आएगा, वहीं आएगा। सपोज एक कोई भाला या तलवार है, ठीक है ना, तो अब उस तलवार की जो लास्ट पॉइंट होगा वहीं सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, पेन का, ठीक है। तो कहने का मतलब है, एट द रिसीविंग एंड का मतलब होता है जो लास्ट पॉइंट है उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, और अगर कोई उसको सह रहा है तो क्या कह रहा है, वो प्रभाव सह रहा है, समझ गए। फिर से देखते हैं, बियर द ब्रंट ऑफ अटैक, बियर द ब्रंट ऑफ एंगर एट द रिसीविंग एंड, इसका मतलब क्या होता है, प्रभाव को सहना, और ये क्या है, आलोचना को सहना। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है, ई एन डी, एंड, ई एन डी, एंड, एंड से एक और आइडियम बनता है, मेक बोथ एंड्स मीट। भाई दो तुम्हारे, आपके पास दो एंड है, दो सिरे हैं, और दोनों सिरों को आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो आप मतलब क्या है, कोई कठिन काम कर रहे हो, ठीक है। तो मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है अर्न लिवलीहुड, यानी कि क्या, रोजी रोटी का जुगाड़ करना या रोजी रोटी का इंतजाम करना। मेक बोथ एंड्स मीट, जिंदगी के दोनों सिरे को आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, यानी क्या, आप रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहे हो, ये हो गया। फिर बात करते, देखो अब यहां पे एंड था, एंड से ये वाला आइडियम बना, मेक बोथ एंड्स मीट। अब यहां मीट आ गया, ठीक, अब मीट से ये वाला आइडियम बना, कौन सा आइडियम, टू मीट वंस वाटरलू। टू मीट वंस वाटरलू का मतलब होता है अंतिम हार का सामना करना। देखो टू मीट मतलब मिलना, वंस वाटरलू, एक्चुअली वाटरलू जो है, समझ लो सिस्टम क्या है इसका, वाटरलू रशिया में एक जगह है, रशिया में, ठीक है, वाटरलू एक प्लेस है रशिया में, वहां पर जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो डिफीटेड हुआ था, ठीक है। तो क्या है,
वहां पर नेपोलियन बोनापार्ट को अंतिम हार का सामना करना पड़ा था, तो वहीं से इडियम क्या बन गया, टू मीट वंस वाटरलू का मतलब क्या हो गया, अंतिम हार का सामना करना। ठीक है, तो वाटरलू क्या है, वाटरलू इज अ प्लेस इन द रशिया वेयर बोनापार्ट गेट डिफीटेड। फिर बात करते हैं आगे, देखो अब बियर मतलब मैंने बताया, बियर मतलब क्या होता है, सहना। बियर मतलब देखो यहां बताया, बियर मतलब क्या होता है, सहना। ठीक है, अब यहां से कुछ वर्ड है, इन सारे वर्डों का मतलब क्या हो गया, सहना या वहन करना। देखो बियर द बियर एक्सपेंसेस, बियर एक्सपेंसेस यानी खर्चे सहन करना, सफर लॉसेस यानी कि नुकसान को सहन करना, टॉलरेट समबडी और समथिंग यानी किसी व्यक्ति या किसी चीज को सहना, इंड्योर पेन यानी कि दर्द को सहना, ब्रूक नॉनसेंस किसी की बकवास सहना, समझ गए। तो इन सब का मतलब क्या हो गया, सहना या वहन करना, एक्सपेंसेस यानी कि खर्चा सहन करना, ठीक है, लॉसेस मतलब जो घाटा हुआ है वो सहन करना, किसी व्यक्ति को सहन करना, दर्द को सहन करना, किसी की बकवास सहन करना, तो इन सब का मतलब क्या हो गया, इन सब का मतलब हो गया सहना या वहन करना। ठीक है, अब बात करते हैं आगे बैटन, ये बेसिकली पूरा कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है मैंने, तो इससे क्या हो गया, आपको लर्न करने में सहूलियत होगी। क्यों, अब आपको सिर्फ इतना पता है क्या, बियर एक्सपेंस, अगर मैं सिर्फ ये वर्ड दे दूं, बियर एक्सपेंसेस, टॉलरेट, इंड्योर, ब्रूक, भूल जाओगे, क्योंकि हम कैसे याद करते हैं हर चीज, कॉन्टेक्स्ट में याद करते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था आपको। तो बियर एक्सपेंसेस, सफर लॉसेस, टॉलरेट समबडी समथिंग, इंड्योर पेन, ब्रूक नॉनसेंस, क्या हो गया, सहना वहन करना, ये कॉन्टेक्स्ट में है। फिर बात करते हैं, देखो बैटन मतलब होता है, बैटन मतलब होता है छड़ी या डंडा। ठीक है, अब डंडा छड़ी किसके पास होती है, या तो म्यूजिशियन के पास होगी, या पुलिस वालों के पास, पुलिस वालों का डंडा होता है, म्यूजिशियन के पास छड़ी होती है जो म्यूजिक बना, मतलब म्यूजिक ऐसे कर रहे हैं, ठीक है ना, म्यूजिक चल रहा है वैसे ऐसे छड़ी गिरा रहे हैं वो, ठीक है, वो डायरेक्ट डायरेक्ट करते हैं लोगों को कि ऐसे ऐसे काम करो। तो बैटन मतलब होता है छड़ी या डंडा जो म्यूजिशियंस के पास होता है या तो पुलिसमैन के पास होता है। अब यहां से तीन और वर्ड बने, बैटन चार्ज, केन चार्ज या लाठी चार्ज। भाई जब दंगे में हो जाते हैं तो पुलिस क्या करती है, लाठी चार्ज करती है, तो लाठी चार्ज के लिए और कौन कौन से वर्ड है, बैटन चार्ज, क्योंकि बैटन मतलब होता है डंडा, उसका चार्ज कर दिया, लाठी चार्ज हो रहा है, तो बैटन चार्ज, केन चार्ज और लाठी चार्ज। केन ऐसे समझ लो, देखो शुगर केन क्या कहते हैं लोग, शुगर केन, शुगर केन क्या होता है, गन्ना, ठीक है। अब शुगर केन को शुगर केन क्यों कहते हैं, क्योंकि केन तो शुगर मतलब शुगर और केन मतलब डंडा, ठीक है, तो केन मतलब भी क्या होता है, डंडा, ठीक है, तो शुगर केन डंडा है छड़ी, तो शुगर बैटन चार्ज, केन चार्ज, लाठी चार्ज क्या हो गया, ये हो गया आपका लाठी चार्ज, हो गया बैटन चार्ज कह दो, केन चार्ज कह दो या लाठी चार्ज कह दो, समझ गए। तो आज के ये सारे वर्ड्स हैं, आप थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। तो काउच पोटैटो क्या हुआ, द पर्सन हु स्पेंड्स टू मच ऑफ हिज टाइम इन फ्रंट ऑफ टीवी या वॉचिंग टीवी। फिर उसके माउस पोटैटो क्या हुआ, द पर्सन हु स्पेंड टू मच ऑफ हिज टाइम इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर या यूजिंग कंप्यूटर। उसके बाद मैंने क्या बताया, लाइक ए हॉट पोटैटो, लाइक ए हॉट पोटैटो मतलब क्या होता है, आप करें तो करें क्या, ठीक है, सांप छिछुंदर वाली स्थिति। उसके बाद क्या बताया, पाइपिंग हॉट फूड, आपको ठंडियों में क्या चाहिए, गर्मा गर्म खाना चाहिए, पाइपिंग हॉट फूड चाहिए आपको। फिर उसके बाद बात करते हैं, क्रिमिनल्स हैज और टेररिस्ट हैज स्टार्ट सिंगिंग, यानी कि जो क्रिमिनल्स है टेररिस्ट क्या है, वो गाना गाने लगे, यानी कि वो क्या है, इन्फॉर्मेशन जो थी वो बताने लगे, ठीक है। फिर बात करते हैं सिंगिंग से यहाँ पे क्या आया, फिर अब वो बताएंगे कब, जब उनकी इंटेरोगेशन होगी, जब आप किसी क्या करोगे, जब आप इंटेरोगेशन करोगे या ग्रिलिंग करोगे, तब उसके बाद क्या होगा, उसी की बात तो बताएंगे। तो इंटेरोगेशन या ग्रिलिंग मतलब होता है क्या, पूछताछ करना, ये पूछताछ। फिर बात करते हैं फेस द म्यूजिक, म्यूजिक बिल्कुल आसान चीज है, म्यूजिक को कोई फेस नहीं करता, पर अगर कोई बंदा म्यूजिक को भी फेस कर रहा है तो इसका मतलब वो बहुत सारी परेशानियां फेस कर रहा है। तो फेस द म्यूजिक, फेस द क्रिटिसिज्म, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, आलोचना को सहना, ठीक है। फिर बियर द ब्रंट ऑफ अटैक, बियर द ब्रंट ऑफ एंगर, ओके, एट द रिसीविंग एंड, इसका मतलब क्या हो गया, किसी प्रभाव को सहना। फिर यहां से एंड से क्या बना, बोथ एंड्स मीट, मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब क्या, अर्न लेवलीहुड, यानी कि अपनी जीविकोपार्जन, जो रोजी रोटी का उसका जुगाड़ करना। फिर उसके बाद बियर एक्सपेंसेस, सफर लॉसेस, टॉलरेट समबडी और समथिंग, ओके, और इंड्योर पेन, ब्रूक नॉनसेंस, तो ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, सहना या वहन करना। बैटन मतलब बता दिया, बैटन मतलब क्या हो गया, बैटन मतलब हो गया डंडा या छड़ी। फिर उसके बाद बैटन चार्ज, केन चार्ज, लाठी चार्ज हो गया आपका। अब देखो, अच्छा ये एक चीज ध्यान रखना, ये मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, समबडी है और ये समथिंग है, ठीक है, शॉर्ट में ऐसे लिख दी, इसको ऐसे लिखा जाता है शॉर्ट में, समबडी और समथिंग को, और वो बियर, ठीक है। तो आज के हमारे इतने वर्ड्स रहेंगे, और प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। कुछ लोगों ने बताया हुआ है तो काफी इंकरेज मिला हुआ है मुझे, ठीक है, तो प्लीज बताएं, और अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फेसबुक टाइमलाइन में
और जहां भी सोशल साइट्स में आप अटैच्ड हैं, ठीक है ना, जुड़े हुए हैं, जो भी आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उन सारी जगह पे इस वीडियो को शेयर करें, इसका लिंक शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक ये वीडियो पहुंच सके और हमारे चैनल को सपोर्ट मिले और जो ये सारा कंटेंट है वो स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू। दिस इज जयवर्धन तिवारी।